इंडियन रेलवे की हिस्ट्री इतिहास इतना पुराना है कि लगभग 8 से 10 पीढ़ियाँ निकल गई। 1853 से स्टार्ट करते हुए आज 2024 तक हम 175 साल से ज़्यादा का इंडियन रेलवे हिस्ट्री देख सकते हैं। और सिर्फ 1853 नहीं, 1853 में तो मुंबई में CST और थाने तक जो गाड़ी चली थी ऑफिशियली वो चली थी, लेकिन उससे भी पहले अनऑर्गेनाइज तरीके से और 30-40 साल पहले से अलग अलग तरीके से रेलवे चलाई जाती थी। अभी से 175 साल के इतिहास में डेफिनेटली बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए होंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के चलते कुछ नई नई चीज़ें आई होंगी, कुछ नई नई चीज़ें हमको मिली होंगी, जैसे नैरो गेज, मीटर गेज, ब्रॉड गेज। हालांकि नैरो गेज और मीटर गेज या तो बंद हो चुकी हैं या फिर बहुत कम देखने मिलती हैं। टॉय ट्रेन्स हैं, उसके बाद भी 13-14 प्रकार की रेलवे लाइन्स हैं जो माइंस में चलती हैं, कंपनीज़ में चलती हैं अलग अलग तरीके से, तो ये सारी चीज़ें हैं। उन्हीं के बीच में एक चीज़ ऑपरेट हुई है, वो है लोकल ट्रेन, द मुंबई लोकल ट्रेन। पैदा तो ठीक है 1853 में हुई थी, लेकिन यस आज जो मुंबई लोकल ट्रेन का जो सिनेरियो है, जो पिक्चर दिखता है, वो रियली डिफरेंट है। और इतनी सारी चीज़ें हैं उसमें, जो बोलते हैं ना कि इंडिया की लाइफलाइन है रेलवे, वैसे ही मुंबई की लाइफलाइन है मुंबई लोकल ट्रेन्स। आइए जानते हैं कुछ फैक्ट्स रेलवे के, मुंबई लोकल ट्रेन के, और कैसे ऑपरेट होती है, क्या क्या है मेन चीज़, कैसे ऑपरेट होती है, तो थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा। मैं कुछ फैक्ट्स आपको बताता हूँ मुंबई लोकल ट्रेन के बारे में, जिसके कारण मुंबई लोकल ट्रेन मुंबई की लाइफलाइन बोली जाती है। ऑलरेडी ब्रिटिश एरा से चल रही है, 1853 में इसका ओरिजिन माना जाता है, 16 अप्रैल को जब पहली ट्रेन चली थी, डेफिनेटली उस रूट पे अभी भी ट्रेन चल रही हैं। अगर मैं बात करूँ लोकल एरिया की, जिसमें लोकल ट्रेन दौड़ती है, भागती है, जिसमें लोकल ट्रेन ट्रैवल करती है, तो वो जो लोकल ट्रेन का जो एरिया है, मैं बात कर रहा हूँ किलोमीटर्स की, 400 किलोमीटर के आसपास का है। अगर मैं गुजरात एंड से चालू कर लूँ, धाणु से स्टार्ट हो जाता है, फिर उधर कल्याण खोपोली तक जाता है, फिर उसके बाद सेंट्रल है, दादर है, ये सारी चीज़ें कर लिया जाए, 400 किलोमीटर का एरिया है जहाँ पे मुंबई लोकल ट्रेन अपनी सर्विस देती है। अलग अलग लाइंस भी हैं, आगे उनके बारे में भी बताता हूँ। लगभग सबर्बन रेलवेज़ का अगर मैं बात करूँ तो 2300 ट्रेनें चलाता है रेलवे सबर्बन रेलवेज़ में, अलग अलग रूट्स पे। लगभग हर 4 से 5 मिनट इज़ द मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी जब आपको रेलवे में लोकल मिल जाएगी मुंबई में, 4 to 5 मिनट्स, उसके बाद डेफिनेटली कोई ट्रेन आती है और आप आगे बढ़ जाओगे। अगर मैं बात करूं कितने लोग ट्रैवल करते हैं, तो समझिए कि मुंबई की पॉपुलेशन लगभग 1.5 करोड़ के आसपास होने को है, और 50% पॉपुलेशन जो है वो एवरी डे ट्रैवल करती है लोकल ट्रेन में, 7.58 मिलियन लगभग 75 से 80 लाख लोग एवरी डे ट्रैवल करते हैं इस ट्रेन में। सोचिए कितना बड़ा पॉपुलेशन है, कई सारे शहरों की पॉपुलेशन से ज़्यादा रोज़ मुंबई में लोकल ट्रेन में ट्रैवल करते हैं। अगर मैं बात करूँ टाइमिंग की, तो टाइमिंग क्या है इस ट्रेन का, इस नेटवर्क का, तो ऑफिशियली इसको 4, 4:15 बजे के आसपास सुबह जो पहली ट्रेन छूटती है, और रात को 2 बजे इज़ द लास्ट ट्रेन। और ऐसा नहीं है कि वो जो 2 घंटे का पीरियड है, ब्रैकेट है, उस पर ट्रेनें नहीं चलती हैं, चलती हैं। पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस है, सुदूर एक स्टेशन है खोपोली करके, वहाँ से हमने रात में करीब 2:30 बजे के आसपास ट्रेन पकड़ी, और वो ट्रेन हमको दादर 4, 4:30, 5 बजे छोड़ी। ये पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है, 24 आवर्स चलती है। हाँ, थोड़ा फ्रीक्वेंसी ज़रूर कम हो जाएंगी, कम ट्रेनें चलेंगी, लेकिन चलती रहती हैं, पैसेंजर आपको रेगुलर मिलती रहेंगी, तो रेलवे स्टेशन में बराबर चहल पहल मची होती है। चलिए जानते हैं अब कितनी लाइनें हैं। वेस्टर्न लाइन जो चर्च गेट से धाणु तक जाती है, सबसे लंबी लाइन इसको बोला जाता है, और धाणु से तो ये सीधे गुजरात की तरफ चली जाती है, 120 किलोमीटर की लाइन है ये चर्च गेट से धाणु। सेंट्रल लाइन CST टू कल्याण 54 किलोमीटर्स, इन्हीं के बीच में स्प्रेड हो जाती है कसारा तक 67 किलोमीटर्स के लिए, खोपोली तक 61 किलोमीटर्स के लिए, खोपोलो के लिए कल्याण से जाती है ये 61 किलोमीटर्स के लिए जाती है। हार्बर लाइन अंधेरी से CST, इसकी लेंथ 49 किलोमीटर्स की है। ट्रांस हार्बर लाइन थाने नवी मुंबई, ये नई चीज़ है, 20 किलोमीटर्स की लाइन है, मैक्सिमम बताया 4 से 5 मिनट की फ्रिक्वेंसी है, एंड आफ्टर दैट यू विल गेट अ ट्रेन, और आप आगे बढ़ जाते हैं। आपने डब्बा वालों का नाम तो ज़रूर सुना होगा, डब्बा वाले मतलब ऐसा बोला जाता है कि 1 लाख में एक सिक्स सिग्मा सर्टिफिकेट मिला हुआ है उनको, 1 लाख में एक गलती मिलती है उनकी, वो भी लोकल ट्रेन में ट्रैवल करके रोज़ लाखों टिफिन पहुंचाते हैं उनके घर से उनके खाने वालों तक। सुबह जो निकल जाते हैं काम पे, उनको दोपहर में गरम-गरम टिफिन पहुंचाते हैं डब्बा वाले, और उनका ऑलमोस्ट पूरा ऑपरेशन जो चलता है वो चलता है मुंबई लोकल से। रिच टू पुअर, कुछ दिन पहले आपने देखा होगा एक बहुत बड़े कंपनी के टॉप एग्जीक्यूटिव थे, वो AC कंपार्टमेंट में ट्रैवल कर रहे थे, और ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि मुंबई में
रोडवेज से ट्रैवल करना इज अगेन आप कम से कम 2 से 3 घंटा ट्रैफिक में गुजारोगे, इसलिए वहाँ पे मुंबई लोकल ट्रेन में ज़बरदस्त भीड़ चलती है और आपको डेस्टिनेशन पहुँचाने में फिर भी जो ट्रेन की लाइन क्लियर होती है उसके बाद भी 2-2, 3-3 घंटे लग जाते हैं, तो सोचिए रोड्स का क्या हाल होगा। इसलिए बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा आदमी भी मुंबई लोकल ट्रेन में ट्रैवल करता है, भले उसकी सैलरी 2 लाख 3 लाख रुपये महीने की हो, वो भी आपको ट्रेन में दिख जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट लोकल 3-4 कैटेगरी में डिवाइडेड है, स्लो, फास्ट, सुपर फास्ट और एक और हाई फास्ट होती है, उसमें भी फिर अभी फर्स्ट क्लास का एक और फंड आ गया है जिसमें एसी कंपार्टमेंट्स वगैरह रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पे यस लोकल, मुंबई लोकल जो है वो मुंबई के लिए वरदान है। एवरीडे बहुत सारे लोग की डेथ भी होती है और उसके बाद ब्लॉक्स लगते हैं जहाँ पे एक पर्टिकुलर एरिया को ब्लॉक करके उधर का मेंटेनेंस भी होता है। कंपेरेटिवली हल्की होती हैं सारी ट्रेनें बिकॉज लंबी दूरी तक जाना है, इतने सारे लोगों को लेके जाना है, डेफिनेटली भारी तो रखेंगे नहीं, हल्की होती हैं ट्रेनें, जल्दी से स्पीड भी पकड़ती हैं और कई तो पैसेंजर्स होती हैं जो हर एक स्टेशन में रुकती हैं, कई सुपरफास्ट होती हैं जो कम स्टेशन में रुकती हैं और एक और अल्ट्रा सुपरफास्ट होती हैं जो डेफिनेटली कम से कम स्टेशन में रुकती हैं। ये तो एक छोटी सी मैं कुछ 8-10 पॉइंट का आपको वीडियो बता दिया, तो वीडियो इतना बड़ा हो गया। डेफिनेटली सोचिए अगर टेक्निकल पार्ट देखा जाएगा इस मुंबई लोकल नेटवर्क का, मुंबई लोकल सिस्टम का, तो क्या ही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर YouTube में देख रहे हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए एंड Facebook में देख रहे हैं तो पेज को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।